हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आ चुके हैं एक बार फिर एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, अभी हमारे यहाँ अशोक नगर में आए सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और वो हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उधर क्या कार्यक्रम वगैरह है कुछ, और वो कुछ भाषण वगैरह भी देंगे। तो चल रहे हैं सुनने के लिए क्या क्या है, और जाना चाहिए वैसे तो ठीक है। और आपको भी दिखाऊंगा मैं कैसा क्या कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर। मैंने सुना है कि बढ़िया कार्यक्रम वगैरह कुछ चल रहा है, तो चलते हैं अपन। मेरे साथ यशवर्धन जा रहा और दादाजी भी जा रहे हैं, वैसे जे का जाना सुन के, लेकिन ये जा रहा है कुछ खाने के लिए वहाँ। कुछ ऐसा सुना है मैंने कि खाने पीने का भी कार्यक्रम है वहाँ। तो जे इसने खुद के ही मुँह से कह दिया कि मैं डांगोस में जा रहा हूँ, मुझे जा रहा है कुछ रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने का। क्या खाने जा रहा है? अपन भाषण सुन में चल रहा। चलो भाई चलते हैं। भाई जा चुके हैं कार्यक्रम में, जिदे जहाँ पे है पीछे, अभी चल रहे हैं अंदर। इस वर्धन जी आ चल रहे, कल दिखा तो ही नहीं रहा तेरे काम का इधर। चलो भैया चलते हैं। इस कुर्सी बैठ गए यहाँ पे, आ कुर्सियाँ डालेंगे और यहाँ सामने कार्यक्रम होगा, देखने बता रहा हूँ। रुको, बैक कैमरा करके बता रहा हूँ। प्रमुख जो अपने अपने हितग्राहियों को लाभान्वित करवाना चाहते हैं, एक रिहर्सल कर रहे हैं। राखी माँ की बांधेंगे, उसका वो प्रचार कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे आएंगे सिंधिया जी सामने सीट पे, देखो ठीक है। यहाँ पर जी है, इसका सपना टूटा है और दिल कहीं जलता है, हैं? सपना टूट गया, बताऊंगा घर पे पहुँच। सिंधिया जी का फोटो लगा है मोहन यादव, ये अपने मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के नायक, और ये तो अपने मोदी जी। देखो भाई जी, देखो ये राखी लगाए इतनी बड़ी, ये स्टेज, ये देखो ये राखी से स्वागत कर रहे हैं, इसमें लिखा लाली भैया आपका स्वागत है। देखो इधर जी लगी है एक टीवी। आगमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, मंत्री एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री भारत सरकार, एवं हमारे गुना शिवपुरी अशोक नगर संसदीय क्षेत्र के लाडले सांसद माननीय महाराज साहब सिंधिया जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं परम श्रद्धेय महाराज साहब से अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती का पूजन अर्चन करें, साथ ही आपके द्वारा कन्या पूजन। देखो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, रैली निकल रही है। भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय आलोक जी तिवारी, विधायक चंदेरी माननीय जगन्नाथ सिंह जी, विधायक मुगावली माननीय विजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय अजय प्रताप सिंह जी, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक नगर माननीय नीरज जी मनोरिया, ये चंदेरी के विधायक जी हैं जगन्नाथ सिंह जवान जी, ये बोल रहे हैं अभी है मुंगावली के विधायक बजेंद्र सिंह जी, अपने प्राण नौछावर किए, अपने देश के लिए आजाद कराने के लिए बलिदान दिया। आज हम महाराज स्वयं बोल रहे हैं, वातावरण में अपना सांस ले पाए, और 77 साल बाद भी आज हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए नमन करना चाहिए कि अगर वो न होते। आ चुके हैं वहाँ से, तो अपने सिंधिया जी के भाषण सुन के हम लोग सबके, और यहाँ पर आते ही सारे कौन आए, बच्चे आए, ये गाड़ी के पीछे परा रहता है हमेशा, इसको गाड़ी के बड़ा वो परा, और कहूँ गिर परा ना तो सब मिट मिट हो जाएगा, सब सौदा खराब हो जाए। ये देखो गाड़ी पे टांगा फिरता नहीं है, हम फिर नहीं देते इसे गाड़ी पर। ये देखो क्या है, ये भोरा चला रहा है गाइस, गाइस अभी हम मार्केट में घूमते हुए, ये देखो अपना ये चोरा है यार, यहाँ पे गाइस कोई भी कहीं से भी गाड़ी ले आता है, कोई भरोसा नहीं देता, कौन से यहाँ कोई वो नहीं है।
आज अपना जो रेस्टोरेंट बताया शेर नहीं यहाँ स्कूल के उस पे जा रहा है तू। हाँ जा रहा है ना उस साइड पर ही जा किस पर है वहाँ से जाएंगे दोरा तो अच्छा उस साइड है। ये देखो गाइस अपनी गाड़ी जो ये अपनी नई गाड़ी ये अपनी पुरानी गाड़ी दोनों रखनी ये न्यू एंड ओल्ड वो दोनों में से अच्छी कौन सी कर दिया बोरा गोबर में गिरा ये क्या भाई मोड़ा बच्चे खेल रहे हैं गाइस बच्चों के साथ एक बूढ़ा भी खेल रहा गाइस जयवर्धन तो गया दुकान पे मतलब उस वाले मकान पे और अब मेरे आया यहाँ पे और यशवर्धन है मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा वो बाहर गया वो ऐसा ही घूमता रहता है गाइस एक जगह उसका पैर टिकता है नहीं है ये वो बल्ब के सामने खड़ा हूँ बिल्कुल जब आगे ऐसी क्वालिटी दिख रही है आपको मतलब दिन जैसी क्या इधर आ रहे जी आ गए यशवर्धन ये देखो ये क्या कर रहा तुम एक्शन में एक्शन साथ मार रहा है गाइस मैं ये बता रहा था आपको कि जो अपन ने पहले करा था ना चैलेंज वालेंज इसकी अपनी जब तो बैंड बज गई थी तब मोबाइल की गड़बड़ी हो गई थी लेकिन अब मोबाइल अपने पास है नया है और टाइम भी है अपने पास फ्री तो अब अपन काम कर सकते हैं हर तरह का कंटेंट डाल सकते हैं है ना। तो अब ये वाला अपना काम शुरू करेंगे अपन ठीक है। मुझे अंदर से मतलब इतनी खुशी हो रही है ना मैं बता नहीं सकता कि मैं अब ये चैलेंज दोबारा कर रहा हूँ और अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करूंगा पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन डाली और बस एक दिन में और हार मान गया यार अब नहीं डालनी ऐसा नहीं करूंगा अब मैं ये मेरी गलती थी कि मैंने इतने दिन ऐसा किया तो इसको अपन दोबारा लिखते हैं है ना और फिर मैं बताता हूँ अब कैसा हो रहा है अपना ठीक है। अब बताता हूँ जो लिखा था ना पहले वैसे मैं मिटा रहा था जो मिट नहीं रहा कपड़ा गीला करके अब इसको मिटाएंगे लेकिन जिस तरह से जिन्हें मिट रहा ना ऐसे ही अपन भी यूट्यूब पे ऐसा काम करेंगे ना कोई भी रोक ले कुछ भी हो जाए अपन रोकेंगे नहीं जैसे कि मेटल नहीं ना ये भी नहीं हट रहा ऐसे ही मैं भी नहीं हटूंगा अड़ जाऊंगा अब गाइस यहाँ पर मैंने लिख दिया लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा बताऊँ एक मिनट रुको यहाँ पे गाइस अपन ने डायरेक्ट पूरे एक महीने का नहीं लिखा अपन ने क्या करा 14 तारीख से 31 तारीख तक का लिखा इसके बाद सेप्टेम्बर महीना लग जाएगा अभी अगस्त है तो अगस्त का पूरा महीना इधर मैंने लिख दिया 31 तारीख तक डेली वीडियो डालूंगा उसके बाद सितंबर में फिर डालेंगे ठीक है। फिर उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे एक महीना करेंगे मतलब 15-15 दिन करके ऐसा नहीं है कि एकदम से करेंगे वो नहीं कर रहे अपन क्या ना कि क्या होता है इकट्ठा अगर अपन सोच लो ना फिर वो बड़ा देखता है ऐसा लगता है बहुत बड़ा टास्क है ऐसा कुछ तो इसलिए मैंने इसे फुटकर में किया और ऐसे हो भी जाएगा ठीक है 15-15 दिन करके है ना ऐसे ही करेंगे अब अपन इसको। फिर तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अब पक्का आएंगी ना वीडियो यार मजा नहीं कर है? ये गाइस ये देख रहा आपने ये मैंने बनाई थी गाइस मैंने 30 डाल नहीं पाई यार लेकिन वो गया यार गड़बड़ ये देखो 30 डेज 30 व्लॉग चैलेंज एक महीने पहले डाली थी और इसके बाद भी एक डाली थी मैंने लेकिन ये हो नहीं पाता ना चैलेंज ये मेरे ब्लॉग आ रहा ऊपर ये अपने आ रहे हैं ब्लॉग सब क्या खुला सब्सक्राइब करो आप गाइस इधर जाना है ना और इसको सब्सक्राइब करना इधर दबा के सब्सक्राइब बटन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ठीक है। चलो चलो गाइस अपन भी हो सकता है कि मैं भी जाऊँ वहाँ पे दुकान पर अब देखेंगे मैं वैसे नहीं जाऊँगा सारा दिए कल लेना अपनी गाड़ी की बैटरी आ रही है उसकी क्या है कि बैटरी चली गई थी शोरूम पे खराब हुई थी बैटरी तो वो गारंटी में भी थी तो मैंने शोरूम पे जाके बोला कि सेल्फ नहीं उठा रही थी वो तो वो बोलने लगे बैटरी खराब हैगी तो मैंने बोला फिर क्या बैटरी दूसरी मंगवा दो वो एक महीने की बोल रहा था बैटरी की अभी मैं कल परसों गया था तो एक महीने वो जो बोल रहा था परसों आ जाना मतलब कल तो कल जाएंगे हम और देखेंगे बैटरी आई कि नहीं आ गई होगी वैसे तो फिर लगवा लाएंगे बैटरी और फिर